वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगा XUV के बारे में। और XUV500 जो है लॉन्च हुई थी 2011, बहुत ही बेहतरीन गाड़ी थी वो। एंड आपको उसमें प्रोजेक्टिव हैंडलैम्प्स मिलते थे, रियर फॉग लाइट्स मिलती थी, रियर एंड फ्रंट डिस्क ब्रेक्स आपको मिलने वाली थी, एलॉय व्हील्स मिले थे और 7 इंच की डिस्प्ले मिली थी, सनरूफ मिला था। उस टाइम में ये सब चीज़ें बहुत बड़ी मानी जाती थी और गाड़ी की साइज़ तो ऑब्वियसली बड़ी तो थी ही। बेहतरीन डीजल इंजन भी आता था, 2.2 mHawk, जो कि वन ऑफ द बेस्ट था उस ज़माने में। अभी भी ये तो बेस्ट ही है, बट उस ज़माने में बहुत जो है 2011 में ऐसी गाड़ियाँ नहीं आई थी जो इतना अच्छा इंजन ऑफर कर रही थी आपको। कुछ गाड़ियाँ थी बट XUV जो है एक बहुत ही ब्रिलियंट प्रोडक्ट था महिंद्रा की तरफ से इन द 2011। बट अब महिंद्रा ने जो है XUV700 लेके आए, अगेन बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत ही ब्रिलियंट गाड़ी है। सो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपको इस वीडियो में फुल ऑन डिटेल में बताऊंगा क्या कुछ फीचर ऑफर कर रही है 2024 में XUV700, क्या क्या लाइट्स आपको मिलती है, क्या कुछ आपको फीचर्स मिलने वाले हैं, सेफ्टी क्या कुछ मिलती है एंड क्या अपडेट्स आए हैं 2024 में, वो भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। और एक वीडियो मैंने बनाया जो कि शॉर्ट एंड स्वीट वाला वीडियो है, अब वो जाके आई बटन में चेक इट आउट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ ब्लेज एडिशन के बारे में जानना हो XUV के, तो वो जाके आप आई बटन में चेक कर सकते हो। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं फुल ऑन डिटेल। सो हाय गाइस, माय नेम इज यू और यू आर वाचिंग द ऑटोरॉक्स YT चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम महिंद्रा XUV700 के बारे में और स्पेशली बात करने वाले हम ब्लेज एडिशन की इसी वीडियो में। सो वीडियो को आखिर तक देखते रहना और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अब महिंद्रा XUV एक ऐसी गाड़ी है जो कि पर्सनली बात करूँ तो मेरे दिल के बहुत ही करीब है, बिकॉज जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो मतलब ये फर्स्ट चॉइस बन गई थी मेरी इन द मार्केट टू परचेस। बट अब हम जो है इसकी बात करने वाले हैं और एक बहुत ही स्पेशल बात होती है कि आप जिस गाड़ी को पसंद करते हो उसकी आज रिव्यू करो, तो वो बड़ी स्पेशल बात है फॉर मी पर्सनली स्पीकिंग। सो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम ब्लेज एडिशन की, जैसे कि मैंने आपको बताया ही। और पहले तो हम इंजन से शुरुआत करेंगे, फिर एक्सटीरियर की बात करेंगे, फुल ऑन फीचर्स की बात करेंगे, सेफ्टी की बात करेंगे बिकॉज 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग आती है तो उसकी भी बात करेंगे। अब XUV की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, और जो टॉप वेरिएंट जो ये ब्लेज एडिशन अभी लेटेस्ट आया है, डीजल ऑटोमेटिक आता है, डीजल मैन्युअल आता है, पेट्रोल ऑटोमेटिक आता है, पेट्रोल मैन्युअल आता है, फिर AX7 वेरिएंट है, AX5 वेरिएंट है, MX वेरिएंट, ऐसे वेरियस वेरिएंट आते हैं। सो सबकी एक एक करके बात करेंगे, बट पहले हम इंजन से शुरुआत करते हैं। तो पहले आप देख सकते हो स्टार्टिंग में ही आपको इंसुलेशन देखने मिल जाने वाला है यहाँ पर XUV में। ये है 2.2 लीटर mHawk डीजल इंजन जो कि बहुत ही पावरफुल है इन द सेगमेंट, और महिंद्रा का खुद का ही इंजन है ये। अब बात करते हैं इसकी ओवरऑल BHP की, तो 182 BHP ये बनाता है। इसमें आपको डीजल 2.2 mHawk में भी दो एक्चुअली इंजन देखने मिल जाते हैं, एक MX ट्रिम के लिए आता है और एक AX ट्रिम के लिए आपको देखने मिल जाता है। अब AX ट्रिम की बात कर लेते हैं तो ये आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ही है ये। सो वहाँ पे आपको ये 182 BHP 450 Nm ऑफ टॉर्क देता है विद ऑटोमेटिक, मैनुअल के साथ जाओगे तो 420 Nm का टॉर्क देगा। बट ओवरऑल जो है डीजल इंजन की पैकेजिंग की बात करें तो वो बहुत ही अच्छे से जो है महिंद्रा ने यहाँ पे पैक किया है। नीचे जो है इंजन कवर भी आप देख सकते हो, तो नीचे से भी कोई डैमेज होने की जो शक्यता है वो नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हो वेरियस एयर फिल्टर्स लगे हुए, फ्यूज बॉक्स आपका लगा हुआ है यहाँ पर, इंजन कवर भी अच्छा लगता है, बट महिंद्रा की बैजिंग होनी चाहिए थी जो कि और अच्छा इसको बना देता। एसी की पाइपिंग वगैरह भी आप देख सकते हो, टर्बो इसके पीछे लगा हुआ है, टर्बो यहाँ आगे नहीं लगा हुआ। आपको ये बैटरी यहाँ पे देखने मिल जाएगी इन केस आपको अगर कभी चेंज करना पड़ा तो। यहाँ पे बहुत अच्छे से माउंटिंग भी दी हुई है इंजन की, तो सो वाइब्रेशन से वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे कम किए है। और एज यू नो कि रिफाइनमेंट और जो भी पावरफुल है ये mHawk डीजल इंजन, कूलेंट का प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा और इंजन जो आपका स्टेयरिंग व्हील फ्लूइड है वो आपको यहाँ पे मिलता है, फिर वॉशर फ्लूइड आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो ये कुछ था इंजन के बारे में, आप पूरी स्पेसिफिकेशन से वो आप अपनी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो। और ये जो इंजन है ये बहुत ही पावरफुल है इन द सेगमेंट। सो चाबी से शुरुआत करेंगे, तो पहले आप चाबी में 3 बटन आपको देखने मिलने वाले हैं, लॉक, बूट रिलीज कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, यहाँ से आप जो है अनलॉक कर सकते हो अपनी कार को। फ्लिप की आपको महिंद्रा की देखने मिल जाने वाली है, अब आने वाले टाइम में महिंद्रा इसको आई थिंक सो चेंज करेगी। अब ओवरऑल XUV की फ्रंट लुक से बात करेंगे हम, फिर इसके टायर वगैरह की बात करके साइड में जाएंगे और पीछे से आपको बूट स्पेस वगैरह दिखा के 7 सीटर
ये स्पेक है, तो वो भी आपको रियर सीट में दिखा देंगे, आपको क्या क्या स्पेस इसमें देखने मिलती है। तो चलो एक बार फटाफट से फ्रंट लुक देख लेते हैं। और हाँ, आपको मैं चाबी में ये दिखाना तो भूल ही गया कि आप जब अनलॉक बटन को प्रेस करके रखोगे तो आपकी जो ड्राइवर साइड की विंडो है वो इस तरीके से जो है रोल डाउन हो जाएगी, और जो सनरूफ है वो भी आपका जो है ओपन हो जाएगा। अब आपको इसको बंद करना हो तो आपको इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा, तब जो आपकी जो ड्राइवर साइड की विंडो है या आपकी जो सनरूफ है वो क्लोज हो जाएगी। सो आप ये देख ही सकते हो इस तरीके से जो है क्लोज हो जाएगी आपकी सनरूफ और ड्राइवर साइड विंडो। सो ये सब फीचर्स आपको XUV700 के साथ मिलने वाले हैं। अब एंटीनॉक्स कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है, तो आप जो है ये घर पे बैठ के भी ये सब चीज़ें कर सकते हो आपकी कार के साथ। और अगर आपको पैसिव की एंट्री करनी हो तो आप जस्ट इसको प्रेस करो, और आपके हाथ में अगर चाबी होगी तो इस तरीके से पुश डोर हैंडल बाहर आ जाएंगे और अनलॉक हो जाएगी। अगर आपको एक बार प्रेस करोगे तो लॉक भी हो जाएगी। सो इस तरीके से जो है पैसिव एंट्री XUV700 की काम करती है। अब फ्रंट लुक की तरफ बढ़ते हैं, तो आप फ्रंट लुक में पहले चीज़ नोटिस करोगे, आपको जो है ये ब्लेज एडिशन है, तो आपको जो एक ग्रिल है वो ब्लैकआउट मिलने वाली है। यहाँ पर महिंद्रा का बहुत ही अच्छा ट्विन पीक लोगो आपको मिलेगा। फ्रंट पार्किंग कैमरा आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और रेडिएटर आप अंदर देख सकते हो, इंटरकूलर भी लगा हुआ है। हॉर्न्स वगैरह भी आप यहाँ पे देखने मिलेगा आपको। अब रडार दिया है, बिकॉज इसमें एडास लेवल 1 टेक्नोलॉजी आती है, एडास लेवल 2 अभी तक नहीं आया XUV700 में, बट आने वाले टाइम में आ ही जाएगा फेसलिफ्ट के साथ XUV700 का। बट आपको नीचे ये पीछे रडार देख सकते हो उसकी प्लेसमेंट, आपको ऊपर कैमरा भी देखने मिल जाएगा बिकॉज इसमें लेवल 1 है, सबको जो है कैमरा भी मिलने वाला है। यहाँ पर लिम किट असिस्ट और दूसरे वेरियस फीचर्स के लिए आपको LED लाइट्स देखने मिलती है, जो कि मैं ऑन करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से जो है आप ये लाइट देख सकते हो, बहुत ही ब्राइट लाइट है। और आपको जो है ये जो 80 प्लस अगर आप जाओगे तो ऑटोमेटिक ये बीम जो है वो ऑन हो जाएगी। सो ये एक्स्ट्रा ऑटो बूस्ट हेडलैम्प इसको महिंद्रा बोलता है, बट आपको ये हाई बीम देखने मिल जाएगी। ये आपको दो लो बीम के लिए देखने मिलने वाला है। और ये जो है आप नीचे DRLs देख सकते हो, जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं। नीचे आप फॉग लैम्प देख सकते हो, जो कि अगेन LED में दिए गए हैं, जो कि काम करते हैं कॉर्नरिंग फंक्शन की तरह भी। और वेरियस जो है आप जो ये कलर है वो मैट में दिया हुआ है। फाइनली आपको मैं एक बार दिखा दूँ कि कैसा ओवरऑल ये लग रहा है। सो ये रेड कलर है। और जो पूरी अगर आपको थोड़ी बहुत जानना हो इसके बारे में कि ये क्यू एडिशन लॉन्च किया महिंद्रा ने, तो वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे बता दूंगा कि क्यू है ये एडिशन जो है महिंद्रा ने लॉन्च किया। बट अच्छा लगता है, एक न्यू शेड आपको जो है मिल रहा है यहाँ पर। और अगर आपको ये वाले जो आप लाइट देख रहे हो, तो मैं आपको एक बार ऑन वाले दिखा देता हूँ कि बिकॉज इसमें आपको सिक्वेंशियल DRL भी आते हैं, और साथ ही साथ जो है सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स भी आपको मिलते हैं। सो वो अगेन बहुत अच्छे लगते हैं जो आप नाइट में इसको ऑन रखते हो लाइट्स को। एंड ओवरऑल आपको कोई भी फ्रंट पार्किंग सेंसर यहाँ पे मिलने नहीं वाले, बट आपको टो हुक जरूर मिलेगा जो कि ओपन कर सकते हो आप। एंड नीचे आपको स्किड प्लेट देखने मिल जाने वाली है यहाँ पर, जो कि अच्छी लगती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा और बहुत ही गजब दिया गया है, 200 mm का, जो कि अगेन बहुत अच्छा बना देता है सेगमेंट में इसको। एंड मोनोकॉक चेसी है, जैसे कि आपको पता ही है XUV700 में। अब बढ़ते हैं हम इसके वाइपर्स की तरफ, बिकॉज इसमें आपको ड्यूल टिप वाइपर या एरो ट्विन वाइपर्स आपको मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छे से वाइपर बोले जाते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी वाइपर्स इसको बोला जाता है, जो कि विंडशील्ड को क्लीन कर देंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। एंड ओवरऑल अगर हम टायर की बात कर लें, एक बार आपको मैं थोड़ा फ्रंट लुक दिखा देता हूँ बिकॉज मैंने वो आपको दिखाया नहीं। सो अगेन XUV700 की बात करो तो डिज़ाइन में बहुत ही अच्छी लगती थी लोगों को, पर्सनली स्पीकिंग तो मेरे को भी बहुत ही अच्छी लगती है डिज़ाइन में XUV700। इवन सफारी से अच्छी लगती है XUV700 दिखने में। अच्छा, हमको सिखा दिया है। व्हील्स की बात कर लेते हैं तो 235/60 R18 इंच के आपको व्हील मिलते हैं, ब्लैक मिलने वाला है ये ब्लेज एडिशन। और जो हाल ही में अभी आया था ब्लैकआउट एडिशन जो भी था, वो महिंद्रा का XUV700 के साथ जो लॉन्च किया था अभी नेपोली ब्लैक कलर, उसमें भी आपको जो है ऑल ब्लैक जो है व्हील्स मिलने वाले। अच्छे लगते हैं, डिज़ाइन भी अच्छी है, बट आपको अगर रेगुलर लोगे तो आपको ये डायमंड कट मिलेंगे, सेम डिज़ाइन ही मिलेगी उसमें। बड़ा सा ब्रेक पैड आप देख सकते हो, बिकॉज जो है ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी है गाड़ी की, गजब दी गई है ब्रेकिंग। एंड साथ ही साथ बात करें तो ओवरऑल डिस्क ब्रेक आपको आगे मिलती है, डिस्क ब्रेक आपको पीछे भी देखने मिल जाएगी, जो कि मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ओवरऑल विथ की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी है यहाँ पर, और इंडियन रोड कंडीशन की बात कर उसके हिसाब से देखें तो बहुत ही अच्छी जो है विथ मैं बोलूँगा यहाँ पर महिंद्रा XUV700 में दी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस जैसे कि मैंने आपको बता दिया 200 mm का आपको मिलता है।
और ओवरऑल साइड से भी अगर हम बात करें तो वो भी बहुत अच्छी लगती है कार। आपको ब्लेज की बैजिंग यहाँ पे मिल जाएगी बिकॉज ब्लेज एडिशन है, इसीलिए अब टर्न इंडिकेटर्स के साथ आपको ओ आर वी एम्स मिलने वाले हैं। 360 पैकिंग कैमरा का राइट कैमरा यहाँ पे आपको मिलने वाला है और इंडिकेटर्स आपको ओ आर वी एम पे जैसे कि मैंने बताई दिया LED में मिलने वाला है और पियानो ब्लैक फिनिशिंग भी मिलने वाली है ओ आर वी एम पर ही। अब और ब्लेज एडिशन में आपको जो है बहुत सारे चेंजेस देखने मिलते हैं, सो मोस्टली ये कॉस्मेटिक चेंजेस ही मैं आपको बोलूँगा देखने मिलने वाले हैं यहाँ पर। एंड प्लस डोर हैंडल्स को कैसे भूल सकते हैं हम, बिकॉज वो जो है एक गजब टेक्नोलॉजी महिंद्रा ने इंट्रोड्यूस की है अपनी कार्स के साथ। एंड इसको मैं एक बार आपको एनिमेशन दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। एंड ओवरऑल जो है प्रीमियम टच भी ऑफर कर रहे हैं, बट लोअर वेरियंट में भी आपको पुश डोर हैंडल मिलेंगे बट ऑटोमेटिक मिलने वाले नहीं है, वो मैनुअल ही मिलेंगे आपको। यहाँ पे आपको बी पिलर जो है पियानो ब्लैक में दिया गया है, सी पिलर भी आपको पियानो ब्लैक में मिलता है। रूफ रेल्स जो है वो कहीं भी फंक्शनल नहीं आते इसमें, बट आपको स्काई रूफ मिलने वाला है जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट है इन द ओवरऑल कैटेगरी। सो वो भी मैं आपको जब इंटीरियर की बात करेंगे वो बता दूंगा मैं। और ऊपर आपको जो है रूफ ब्लैक मिलने वाली है जैसी आप देख ही सकते हो, बिकॉज आपको ड्यूल टोन में ये कलर मिलेगा। कलर ऑप्शन की बात करें तो वो भी वेरियस कलर ऑप्शंस आपको मिलते हैं XUV700 के साथ, तो वो भी आप अपनी स्क्रीन पे चेक इट आउट कर सकते हो। एंड 700 जो है आपको बैजिंग यहाँ पे मिलेगी, ये 7L की यहाँ पे बैजिंग मिलने वाली है। 2 पार्किंग सेंसर्स पीछे आते हैं एंड सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे पीछे भी कंटिन्यू किए गए हैं विद द EX7L ऑटो लग्जरी। और ये आप जो है रियर DRLs भी आपको कार में मिलते हैं। रिवर्स लैंप और ब्रेक लाइट जो है वो आपको हेलोजन में मिलती है, सो वो LED नहीं है यहाँ पर। और लाइसेंस लाइट की बात करें तो वो भी आपको जो है LED में ही मिलने वाला है, ये देख सकते हो आप। कैमरा आपको मिलता है रियर वाला, रियर वाइपर आता है, डीफॉगिंग आता है, रियर हाई माउंट स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटीना आपको दिया जाता है विद स्पॉयलर जो कि बहुत ही शटल और बहुत ही अच्छा दिया गया है। और ओवरऑल जो लाइट्स की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत अच्छी लगती है, मेरे को तो बहुत ही पसंद आती है लाइट्स। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा प्रीमियम जो है लगती है। कनेक्टिंग टेल लैंप्स आने वाले टाइम में महिंद्रा आपको दे सकता है XUV700 के साथ, बट वो भी जो है इससे अच्छा नहीं लग सकता मेरे को लगता ही है। ब्लेज की आपको यहाँ पे बैजिंग मिलने वाली है अगेन पीछे, रियर फॉगलाइट का कोई भी प्रोविजन जो दिया गया है बट रिफ्लेक्टर आपको मिलता है, कोई भी रियर फॉगलाइट इसमें नहीं आती है। 2 पार्किंग सेंसर से आपका काम जो है इतना अच्छा नहीं होगा बट काम चला सकता है टाइट सिचुएशंस में, बट ये वाला जो हिस्सा है वहाँ पे जो XUV700 है वो ADAS लेवल 2 के साथ भी आएगी, सो वहाँ पे वो जो रडार है वो काम करेगा, बट अभी जो आपको लेवल 2 ही ADAS इसमें नहीं मिलता, सो लेवल 1 के साथ आपको काम चलाना पड़ सकता है। अगर आप थोड़ी देर रुक जाओगे तो आपको लेवल 2 ADAS भी XUV700 में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सो आपके आपको यहाँ पे रडार मिल जाएंगे जिससे आप जो है रियर ट्रैफिक क्रॉस अलर्ट एंड वो सब फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो। अब फ्यूल लीड की बात कर लेते हैं तो आपको डीजल 60 लीटर का टैंक मिल जाता है यहाँ पर, एंड मतलब पेट्रोल डीजल का जो टैंक है वो सेम ही मिलेगा। एयर ब्लू जो है आप यहाँ पे फिल कर सकते हो और उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप अपनी स्क्रीन पे चेक इट आउट कर सकते हो। एक बार आपको मैं बैक लुक थोड़ा वाइड एंगल में दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। अगेन जो है ये ब्लेज रेड कलर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लग रहा है और मैट फिनिश में आपको ये मिलने वाला है। अब आपको मैं इंटीरियर में एक बार दिखा देता हूँ कि इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स ऑफर कर रही है XUV700 और इंजन ऑक्स की बैजिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सो अगेन जो है एक बार आप थोड़ा सा वाइड लुक XUV700 का ले लो कुछ अच्छे से। और ओवरऑल जो है बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, आपको MX इसमें मिल जाएगा, AX3 मिलेगा, AX5 मिलेगा, AX5 सिलेक्ट अभी न्यू वेरिएंट लॉन्च किया है, सो वो भी आने वाला है XUV700 के साथ। अब AX7L आता है, AX7 जो है रेगुलर आपको मिलता है, मतलब L नहीं मिलता, AX7L, AX7X ऐसे वेरिएंट्स आते हैं, मतलब आप अपनी स्क्रीन पे चेक इट आउट कर सकते हो। बहुत सारे वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस किए अब इस 700 में। डीजल ऑटोमेटिक आता है, डीजल मैनुअल आता है, फिर इसके साथ आपको पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलेगा, सो वो आप अपनी स्क्रीन पे चेक इट आउट कर सकते हो ओवरऑल वेरिएंट वाइज। अब इंटीरियर में जंप करते हैं फटाफट से। और ये प्लस डोर हैंडल्स अगेन बहुत ही अच्छे और प्यारे लग रहे हैं। अब जैसे ही आप इनसाइड बैठते हो कार के कुछ इस तरीके से, तो आप ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग पहले तो चीज़ नोटिस करोगे आपको मिलता है यहाँ पे XUV में। और इसको हम कर देते हैं बंद। अब आप ये देख सकते हो लाइट अप हो गई आपकी दोनों स्क्रीन्स।
तो पहले तो स्टेयरिंग से बात करेंगे हम। तो स्टेयरिंग में अगर ओवरऑल बात कर लेते तो आपको एक फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील यहाँ पे मिलता है, ट्विन पीक वाला लोगो आपको महिंद्रा के ओवरऑल सेंटर में स्टेयरिंग के देखने मिल जाएगा। एयरबैग आपको मिलता है, क्रूज कंट्रोल के बटन आपको मिलते हैं, ये आगे वाली कार से कितना डिस्टेंस होना चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। ये आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में चेंजेस करना हो तो वो आप यहाँ से कर ही सकते हो, जो कि आप बात करेंगे डिटेल में, बट आपको यहाँ से एंटर और आगे पीछे करना हो तो वो कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो आपको कौन सा फीचर यहाँ से चाहिए, रिज्यूम कर सकते हो आपका क्रूज कंट्रोल। यहाँ पे आपको जो है वेरियस सोर्स और मीडिया के कंट्रोल मिल जाते हैं, मतलब ये टच स्क्रीन के कंट्रोल से ही। फिर ये वॉल्यूम के कंट्रोल, ही म्यूट कर सकते हो, यहाँ से फ़ोन उठाना काट सकते हो। सोर्स है वॉइस कमांड, आप एडिनो एक्स मतलब हाई एलेक्सा बोलोगे तो ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाएगा। सो जिससे आप सनरूफ वगैरह और बहुत से फीचर जो है एक्सेस कर सकते हो। बट ओवरऑल जो स्टेयरिंग की बात करें तो लेदर रेड आपको मिलेगा, और ये जो ब्लेज एडिशन है इसके साथ आपको रेड स्टिचिंग भी मिलने वाली है। सो अगेन बहुत प्रीमियम टच दे रहा है यहाँ पर। ओवरऑल जो है स्टेयरिंग अभी थोड़ी सी कार जो है ऑफ एसी ली है, और ओडोपेसी भी 11 किलोमीटर ही चली है अभी तक कार। सो ये जो है इस तरीके से बहुत ही अच्छा लुक आता है यहाँ पर। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो वो आपको बहुत अमेजिंग मिलता है यहाँ पर, 10.25 इंचेस का, जो कि फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। एंड यहाँ से आप अगर पहले चीज़ नोट करोगे तो आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में। टेलटेल लाइट्स आपको नीचे मिलने वाली हैं, और यहाँ पे आपको RPM मिलेगा, और जो गियर पोजीशन है वो कौन सा है वो भी मिलेगा। इंजन टेम्परेचर यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो। अब बीच वाले पार्ट की बात करें तो वो आप यहाँ से जो है इस वाले बटन से चेंजेस कर सकते हो। ड्राइविंग असिस्टेंट जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया ईडास का है। नेविगेशन की बात करें तो आप फुल व्यू ले सकते हो, अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो इस तरीके से जो है फुल व्यू आपको मैप का मिलने वाला है। ये इनबिल्ट मैप को मिलेगा एंड्रॉइड ऑटो, और जो उसका है मैप आपको यहाँ पे फुल व्यू नहीं मिलेगा, आपको जो बीच में जो है डिस्टेंस वगैरह वो दिखाता रहेगा, बट फुल व्यू इस तरीके से आपको जो है इनबिल्ट मैप के साथ ही मिलेगा, जो कि मैप माई इंडिया का सपोर्ट मिलता है यहाँ पर। और ओवरऑल जो है नेविगेशन से बाहर निकल के आपको व्हीकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, टायर टेम्परेचर दिखाई देगा। ओवरऑल जो है यहाँ पे जो है पावर एंड टॉर्क मीटर आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत काम आता है जनरली हाईवे पे। फ्यूल की इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, जिसमें आपको माइलेज देन फ्यूल इकोनॉमी और ये सब चीज़ें दिखा देगा, और ऐसे अलर्ट्स भी आ जाएंगे। DPF लेवल आपको दिखा देगा 93% अभी, एवरेज वगैरह क्या मिल रही है, सो ये सब आपको फ्यूल इन्फॉर्मेशन में मिलेगा। ड्राइव इन्फॉर्मेशन में आपको ट्रिप टाइम मिलेगा, देन ड्राइवर अटेंशन लेवल जो कि ADAS का पार्ट है, ट्रिप ए मिलेगा, ट्रिप बी मिलेगा, जिससे आप रीसेट वगैरह भी कर सकते हो। अब अलर्ट हिस्ट्री में जैसे कि जो है अलर्ट्स, वेरियस अलर्ट आते हैं तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। सेटिंग में बात करें तो ADAS के जो लेवल्स है या असिस्टेंट फीचर्स है वो आप यहाँ से जो है चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि पायलट असिस्ट चाहिए या नहीं चाहिए, हाई बीम असिस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, यहाँ पे जनरली सब ऑन ही रखना, बिकॉज आपको अगर रियली में ADAS काम करवाना हो तो इस सब को ऑन रखना पड़ेगा। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल से जो है आप अपने कितना मतलब स्लो रखना है, फास्ट रखना है, और ये सब चीज़ें जो है आप यहाँ से जो है सेट कर सकते हो। फिर पैसेंजर एयरबैग ऑन रखना है, ऑफ़ करना है, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर्स ऑन करने हैं, ऑफ करने हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, टायर फील असिस्ट, देन साउंड चेंज कर सकते हो, और वेरियस जो है फैक्ट्री रीसेट करोगे तो सब कुछ रीसेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब डिस्प्ले लेआउट की बात करें तो वहाँ पे भी आपको जो है वेरियस डिस्प्ले लेआउट्स मिलते हैं, 3 एक्चुअली मिलते हैं आपको, जो कि ड्राइव मोड के साथ भी कस्टमाइज होते हैं, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ड्राइव मोड्स के साथ कस्टमाइज करके। सो ये जिप मोड आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि इकोनॉमी मोड आपको मिलता है XUV का। जेप की बात करें तो वो भी जो है आपको वन टाइप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा मोड। जूम की बात करें तो जूम मोड सबसे फास्ट मोड है यहाँ पर, जो कि स्पोर्ट मोड की तरह काम करेगा। फिर एक आपको जो है कस्टम मोड मिलता है, जो कि मैं कॉन्फिगर कर सकते हो आपको स्टेयरिंग कैसा चाहिए, ब्रेक्स कैसे चाहिए, क्लाइमेट कैसा चाहिए, देन यहाँ पे थीम कैसी होनी चाहिए। सो ये सब जो है आप अपने कस्टमाइज अपने हिसाब से जो है चेंजेस कर सकते हो यहाँ पे। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको बहुत सारे फीचर्स जो है वो तो मैंने दिखा ही दिए, बट आपको यहाँ पे जो है 10.25 इंचेस का मिलने वाला है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसकी ब्राइटनेस वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। बट ओवरऑल फुल सनलाइट में भी दिक्कत नहीं दे रहा है, ये दिख रहा है आपको, डिसेंट दिख रहा है एंड बहुत ही अच्छा लगता है ये। और ब्लैक आपको थीम मिलेगी, सो गर्मियों में थोड़ा दिक्कत कर सकता है, बट ब्लेज एडिशन है तो आपको रेड इंचर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं।
एंड ओवरऑल अगर हम बात करें स्टॉक्स की, तो वो भी आपको जो है हेडलाइट और वाइपर का मिलने वाला है। दोनों ही चीज़ें आपको जो है ऑटोमेटिक के मिलने वाली है, और वाइपर्स भी वो भी अगेन ऑटोमेटिक भी मिलेंगे आपको। सन ब्लाइंड यहाँ पे जो है, एक बार मैं थोड़ी सीट पीछे कर लेता हूँ सो आपको और अच्छे से दिखा पाऊँ, ऑलरेडी पीछे ही है। इस तरीके से जो है आपको सन ब्लाइंड मिलता है। अब साइड में बात करें तो साइड में थोड़ा सा जो है ये एक्सटेंड भी होता है, तो पूरी जगह जो है ये कवर कर लेता है, इसीलिए ये कार मेरे को पसंद है बिकॉज फुल्ली एक्सटेंड होता है इसका सन ब्लाइंड। वन रीज़न ये भी बन ही जाता है, आपको यहाँ पे वैनिटी वीडर विथ लाइट मीटर मिलने वाली है, अगेन ये भी एक्सटेंड ही होगा। ऊपर सोनी के स्पीकर्स आपको मिलते हैं, 12 स्पीकर्स मिलेंगे। सो साउंड क्वालिटी मैं आपको सुना दूंगा थोड़ी देर में। लाइट की बात करें तो आपको LED लाइट यहाँ पे मिलने वाली है, जो कि एक बार मैं ऑन करके आपको बता देता हूँ। तो इस तरीके से जो LED लाइट आपको मिलती है, ये आपको नाइट के लिए मिलने वाली है, जो कि ये जो आप देख रहे हो ये लाइट आपकी जो है अच्छी लगती है नाइट में। SOS का बटन यहाँ पे मिल जाएगा, एनी इमरजेंसी सिचुएशन में काम आएगा ये। सनरूफ की बात करें तो सनब्लाइंड मैंने हटा दिया है, और सनरूफ और आई कैन से स्काई रूफ आपको मिलता है XUV700 के साथ, जो कि बहुत बड़ा है इन द सेगमेंट। आप मतलब देख सकते हो ब्लाइंड कितना टाइम लगा रहा है ओपन होने में, और इतनी बड़ी सनरूफ आपको मिलती है XUV700 में, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट है इन द सेगमेंट। एंड ओवरऑल आपको ब्रेक पैडल और एक्सीलेटर पैडल यहाँ पे मिलते हैं, डेड पैडल दिया जाता है यहाँ पर। एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको जो है ये दो तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, मतलब टिल्ट होता है और टेलीस्कोपिक भी आई थिंक सो ये होता होगा, बिकॉज ये AX7L है, सो आपको शायद टेलीस्कोपिक फंक्शन यहाँ पे मिलता है, बट अभी हो नहीं रहा है सो समझ लो आप थोड़ा सा। बट आपको यहाँ पे तो है थोड़ा सा ऐसा हार्ड प्लास्टिक दिया जाता है जिसके आप साउंड सुन लो। सब वूफर आपको मिलने वाला है यहाँ पर, ये डिफॉगिंग के लिए काम आता है वेंट्स। यहाँ पे आपको अगेन हार्ड प्लास्टिक, बट यहाँ पे जो है लेदर का बहुत इस्तेमाल अच्छा किया गया है महिंद्रा की। यहाँ पे रेड स्टिचिंग मिलेगी बिकॉज ये ब्लेज एडिशन है एज यू नो। यहाँ पे पैनो ब्लैक की थोड़ी बहुत फिनिशिंग आपको मिलने वाली है। रेड एडसेंट्स आप वहाँ पे इसी के सराउंड में देख सकते हो। ग्लोव बॉक्स की बात करें तो इस तरीके से जो है आप बटन दबाओगे तो ओपन हो जाएगा आपको ग्लोव बॉक्स, जिसमें आपको एक लाइट मिलती है जैसे कि आप देख ही रहे हो, और आई थिंक सो है कूल्ड फंक्शन भी मिलता है आई थिंक सो। बट आपको यहाँ पे जो है एक छोटी सी स्पेस भी देखने मिलती है जिसमें आप मोबाइल फ़ोन वगैरह आप रख सकते हो। अब ग्लोव बॉक्स की बात करें तो वो भी डिसेंट है इन द साइज। अब यहाँ पे सॉफ्ट टच, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक, अगेन यहाँ पे थोड़ा हार्ड दिया गया है मटेरियल, यहाँ पे अगेन सॉफ्ट टच का इस्तेमाल किया गया है। पियानो ब्लैक फिनिशिंग में आपको जो है ओवरऑल स्विचेस देखने मिल जाती है, ये ORVM का आपको क्लोज करना हो या ओपन करना हो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे अगेन सॉफ्ट टच मटेरियल है। पियानो ब्लैक जो है मतलब ब्लैक क्रोम में आपको जो है डोर हैंडल्स मिलते हैं, यहाँ से आप अपनी जो सीट्स है वो एडजस्ट कर सकते हो। अब इसमें आपको 12 वे एग्जस्ट मिलता है इलेक्ट्रिकल वाला, तो वो आप 6 वे एग्जस्ट मिलता है सो आप ये कर सकते हो। मेमोरी फंक्शन भी आपको मिलते हैं यहाँ पर। पियानो ब्लैक फिनिशिंग में आपको डोर जो पकड़ के बंद करने का मिलता है, और 1 लीटर की आप बॉटल यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, और कुछ स्पेस भी आपको यहाँ पे मिलती है। अम्ब्रेला होल्डर आता है यहाँ पर, सो अम्ब्रेला आप रख सकते हो। यहाँ पे दिया भी हुआ है आइकॉन, यहाँ पे बॉटल का आइकॉन भी बना हुआ है, और पेडल लैंप भी आपको नीचे मिलता है सो वो सब मिलता है। स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे होती है, यहाँ पे है, वहाँ पे है, यहाँ पे है, और ट्विटर की जो प्लेसमेंट है वो आप यहाँ पे तो देख ही सकते हो। सोनी की ब्रांडिंग भी दी गई है। अब ओवरऑल जो है आपको एक नॉर्मल IRVM मिलता है। अब मैंने 3XO का शूट किया है, वो आप आई बटन भी देख सकते हो। वहाँ पे आपको जो है फ्रेमलेस IRVM मिलता है, बट आपको यहाँ पे रेगुलर मिलेगा फेसलिफ्ट के साथ। महिंद्रा ऑब्वियसली जो है चेंज कर देगा इसको, बट अभी तो मिलता ही है आपको। ADAS के आपको जो कैमरेज है वो यहाँ पे मिलेंगे, रेंज सेंसर्स के आपको कैमरे मिलेंगे, हाई बीम असिस्ट के कैमरे यहाँ पे मिलने वाले हैं, और ओवरऑल जो बात करें अगर हम सन ग्लास होल्डर भी आपको मिलता है। सो ये बहुत काम की फीचर है बाय द वे सन ग्लास होल्डर। बट आपको जो है SOS का बटन यहाँ पे मिलेगा, जैसे मैंने बता ही दिया। और क्या चीज़ है जो कि आगे बताना बाकी है, यहाँ पे आपको नीचे स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, यहाँ से आप AC वगैरह ऑन कर सकते हो, जो कि अगेन फिजिकल कंट्रोल दिए गए हैं। अब मेन चीज़ की बात कर लेते हैं, जो कि है 10.25 इंचेस की ये टच स्क्रीन। अगेन इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, बहुत मतलब एक एक चीज़ में घिनाते बैठूंगा तो बहुत सारे टाइम लग जाएगा। बट आपको एंड्रॉयड ऑटो मिलता है, एप्पल कारप्ले मिलता है, जो कि दोनों ही वायरलेस मिलेगा। नेविगेशन आता है, एप्लीकेशन में आपको वेरियस एप्लीकेशन मिलेंगे, होरोस्कोप, जस्ट डायल एंड मैनी मोर अदर्स एप्लीकेशन। सराउंड कैमरा की बात करें
तो वो भी अच्छा है, बुरा नहीं बोलूंगा मैं, अच्छा है, काम चला देगा आपका। थोड़ी सी और क्लियरिटी होनी चाहिए थी, बट ऑब्वियसली जो है आपको यहाँ पे बहुत सारे व्यू मिलते हैं, सो आप एक बार यहाँ से देख ही लो, राइट व्यू, लेफ्ट व्यू, और जो फ्लुएंट हो गई है अब थोड़ी सी टच स्क्रीन। जब मैंने फर्स्ट टाइम इस कार को रिव्यू किया था, जो कि लाइव किया नहीं मैंने अभी तक वीडियो, बट उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गए थे, बट उसमें जो मैंने ये स्क्रीन को ओवरऑल यूज़ किया था वो थोड़ी लैग कर रही थी, बट अभी जो है महिंद्रा ने सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ इसको थोड़ा सा अच्छा कर दिया है, जो कि आप देख ही सकते हो अच्छे से गाड़ी घूम रही है। यहाँ से आप सेटिंग वगैरह कर सकते हो, ऑटोमेटिक साइड व्यू, 3D व्यू, पार्किंग असिस्टेंस और ये सब फीचर्स भी आपको मिलते हैं यहाँ पर, जो कि अगेन अच्छी बात है और नए ड्राइवर के लिए बहुत काम की हो सकती है। नेविगेशन आपको इनबिल्ट मिलेगा, रेडियो मिलेगा, ऊपर से आप स्वाइप करोगे तो आपको वेरियस शॉर्टकट्स मिलेंगे, वैले मोड और रोड साइड असिस्टेंस, आस्क महिंद्रा, USB, माय ड्राइव और ये सब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी फो जो है स्टोर कर सकते हो। देन स्मार्ट एयर फिल्टर आपको मिलेगा, 2.5 जो फिल्टर मिलता है ना वो वाला मिलेगा। वेंटिलेशन के फंक्शन आपको मिलने वाले हैं, सीट वेंटिलेशन आपको दोनों फ्रंट सीट में मिलेगी, एंड जो है AC के वेरियस मोड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सेटिंग्स की बात करें तो आपको यहाँ पे वेरियस सेटिंग्स भी देखने मिल जाती है, जनरल की सेटिंग मिलेगी, डिस्प्ले की सेटिंग मिलेगी, डेट एंड टाइम, ऑडियो, फ़ोन की, व्हीकल की सेटिंग, व्हीकल की सेटिंग में भी आपको वेरियस सेटिंग्स मिलने वाले हैं यहाँ पर। थोड़ा सा ये स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है, इसके लिए आप थोड़ा सा जो है उसको थोड़ा अवॉइड करना। आपको सर्विस रिमाइंडर, सिलेक्टिव अनलॉकिंग, लॉकिंग, लाइट एंड इल्यूमिनेशन, डे टाइम रनिंग लाइट्स ऑन है ऑफ है वो आप यहाँ से कर सकते हो। अगेन पीछे और आगे आपको दोनों ही तरह DRL मिलने वाली है, मतलब रियर DRL और फ्रंट DRL आपको मिलेगी। डिस्प्ले की सेटिंग, वेयर, डेट एंड टाइम, ऑडियो में आपको सोनी के 12 स्पीकर मिलेंगे, तो आपको 3D साउंड सराउंड की फीचर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। और यहाँ से इक्वलाइजर सेट करना हो, मीडियम, लार्ज, स्मॉल, बेस रखना हो, ऑन एंड ऑफ, स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम और 3D साउंड सराउंड और ये सब फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। एलेक्सा आता है, इनबिल्ट आता है, एंड्रॉइड कनेक्टेड का टेक्नोलॉजीज, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। गैस स्टार्टेड किया तो एलेक्सा का वेरियस जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है, अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ इस वाली पर्टिकुलर कार में, इसीलिए अब बल्कि मैं आपको दिखा देता। सनरूफ वगैरह भी आप एलेक्सा से ओपन कर सकते हो, कार को स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, वाईफाई मिलता है, फ़ोन की वेरियस सेटिंग्स आपको मिलेंगे, बट सो ये इस तरीके की सेटिंग्स आपको यहाँ पे इस स्क्रीन के साथ मिलने वाली है। ड्यूल जोन AC आता है बाय द वे इस कार में, और यहाँ पे आपको वेरियस फिजिकल कंट्रोल दिए गए हैं। प्लीज़ महिंद्रा इसको कभी मत निकालना, आपको यहाँ पे AC वेंट देखने मिलते हैं विद क्रोम सराउंडिंग। स्टार्ट स्टॉप बटन मैंने दिखाई दिया आपको, और ये वेरियस आपको जो है स्विचेस यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, हेजर्ड लैम्प, देन यहाँ पे 360 कैमरा ऑन करना हो, स्क्रीन सेवर ऑन एंड ऑफ करना हो, ड्राइव मोड्स आपको मिलते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया, जीप जैप जूम मोड मिलते हैं यहाँ पर, जो कि आप कन्फिगर भी कर सकते हो। यहाँ से सीट बेल्ट ऑन एंड ऑफ रिमाइंडर कर सकते हो आप, एयरबैग की सिग्नेचर आपको यहाँ पे बता देगा। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिलेगी, और जो है कोई भी स्मार्ट की यहाँ पे नहीं आती, कोई भी कॉइन वगैरह मत रखना, बिकॉज जो है ये स्मार्ट जो वायरलेस चार्जर आपको मिलता है यहाँ पर। पियानो बैग की फिनिशिंग आपको ओवरऑल यहाँ पे मिलने वाली है, एक बार मैं 1X में आपको दिखा दूँ। गैल लीवर के साथ आपको जो है लेदर रैप मिलने वाला है, गैल लीवर PRND MD जो है मैनुअल और ड्राइव में आप ले सकते हो। यहाँ से आपको शिफ्ट लॉक मिलेगा, जब आपकी गाड़ी जो है बंद हो जाती है तब की बात है ये, बट आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग भी मिलेगा, ऑटो होल्ड मिलने वाला है उसी के साथ साथ। पियानो बैग की फिनिशिंग, क्रोम की फिनिशिंग आपको मिलेगी इसके सराउंड में, 2 कप होल्डर्स मिलते हैं आपको यहाँ पे, जो है रोटरी डायल दिया गया जो कि बहुत काम आता है, बहुत काम का फीचर है ये, और जो है आपको वायरलेस शॉर्टकट्स भी मिलते हैं उसके अराउंड आपको देखने मिलेगा, और बहुत सारा स्वेट हो रहा है। सो एक बार मैं थोड़ा सा मिरर ओपन कर लूँ, और आपको यहाँ पे जो है मिलने वाली है आर्मरेस्ट विथ स्लाइडिंग फीचर, इस तरीके से स्लाइड होती है, ओपन करो तो आपको थोड़ी बहुत स्पेस आपको मिल जाएगी जो कि कूल्ड आती है, आप देख सकते हो नीचे कूल, मतलब कूल फंक्शन के साथ आपको मिलेगी, एंड ओवरऑल जो है बहुत सारे जो है फीचर्स भी ऑफर कर रहा है ये, और डीप है, मतलब ठीक है आपका काम चला देगा, छोटा मोटा आपका फ़ोन वगैरह रखना हो तो वो भी आपको काम यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको लंबार सपोर्ट के लिए जो है एक नॉब, तो मैं बोलूँगा मतलब एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, तो आपको 1 टाइप ऑफ नॉब यहाँ पे देखने मिल जाएगा, ये लंबार सपोर्ट के लिए दिया जाता है। अब ये तो हो गई फ्रंट की बात, आपको एक बार थोड़ा सा वाइड लुक में दे देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से जो है आपका जो ओवरऑल कैबिन लगता है, जो कि अगेन बहुत प्रीमियम लगता है, और ऑल ब्लैक मिलेगा बिकॉज ये ब्लेज एडिशन है। इसके लिए आपको सीट में जो है यहाँ पे रेड जो इंसर्ट्स भी देखने मिल जाएंगे, आप ये देख रहे हो रेड स्टिचिंग मिलेगी, रेड इंसर्ट्स आपको मिलेंगे, देन यहाँ पे ब्लेज का जो ओवरऑल सिंबल है वो भी बना हुआ है। प्लास्टिक लगाया तो थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, बट आपको
अब ये देख सकते हो, ये वाला फिनिश की बात कर रहा था मैं। अब हम बैठते हैं सेकंड रो की तरफ, और वहाँ पे जो है आपको मैं एक बार थोड़ा सा जो है दिखा देता हूँ मैं बैठकर पीछे, आपको कैसी लग रही है गाड़ी। इग्रेस एग्रेस की बात करें, इस तरीके से जो है ओपन होगा और इस तरीके से आपको बैठने मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपको वेरियस कंट्रोल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट ओवरऑल स्पेस की बात करें तो मेरे हिसाब से आगे सीट मतलब ऑल द वे पीछे कर दी गई है ये, और वो भी जो है वो मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, बट उसमें तो मैं आपको बता नहीं सकता बिकॉज मेरे को पीछे जाके भी आपको दिखाना है। बट यहाँ पे जो है ऑल द वे पीछे करने के बाद भी आपको इतनी स्पेस यहाँ पे मिलती है, फुट रेस्ट यहाँ पे कुछ एक्चुअली है इसके लिए, आपको आगे पाँव नहीं जा सकता आपका, बट इतनी स्पेस आपको मिलेगी, मेरे लिए ठीक है, बहुत अच्छी है। 6 फीट का बंदा बैठ सकता है यहाँ पे अच्छे से, अगर ये सीट और थोड़ा सा ड्राइवर तो आगे कर लेगा, सो पीछे बंदा बैठ सकता है 6 फीट का। हेड रूम की बात करें तो कुछ इस तरीके से जो है आपको हेडरूम मिलेगा, मेरे लिए अगेन बहुत अच्छी बात है। 6 फीट के बंदे के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा अगर वो थोड़ा सी सीट को अगर रिक्लाइन कर दे सेकंड रो की तो थोड़ा अच्छे से वो बैठ सकता है। आपको हाइट एडजस्टेबल मिलता है ये सीट बेल्ट जो कि कुछ इस तरीके से वर्क करता है। SRS एयरबैग्स ऑब्वियसली सैंड एयरबैग्स आपको कार में देखने मिल जाएगा, लेवल्स 1 की टेक्नोलॉजी मिलेगी। आइसोफिक चाइल्ड माउंट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे जो है आपको मिलते हैं, ये प्लास्टिक है इसके लिए मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, और आर्मरेस्ट भी मिलने वाली है, सो वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अगेन वो भी जो है थोड़ा सा प्लास्टिक में लिपटी हुई है, बट आपको आर्मरेस्ट मिलती है भी ट्विन कप होल्डर्स, मुझे पता है इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलेंगे, एक थोड़ा सा फिक्स बीच में मिलता है। रियर एसी वेंट्स आते हैं, सी टाइप USB आपको मिलता है बीच में, और यहाँ से आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो। और यहाँ पे आपको इस विंडो के कंट्रोल देखने मिल जाएंगे, डार्क क्रोम में आपको अगेन डोर हैंडल मिलने वाले हैं, और पडल लैंप आपको यहाँ पे नहीं मिलते, सिर्फ आगे के फ्रंट डोर में आपको पडल लैंप मिलेंगे। 1 लीटर की बॉटल आपकी यहाँ आ जाएगी। स्पीकर आपकी प्लेसमेंट यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे आपको एक लाइट मिलने वाली है, मतलब दोनों साइड आपको लाइट ऑब्वियसली मिलती है। एक डोर हैंड सॉरी लैंप हैंडल मिलता है, हुक के साथ मिलेगा। स्काई रूफ का व्यू आप इंजॉय कर सकते हो यहाँ से सेकेंड रो में बैठ कर। ओवरऑल एक बार कैबिन का लुक आप देख लो, थोड़ा सा इस तरीके से लगता है कैबिन का लुक। अब आपको मैं एक बार पीछे जाके दिखा देता हूँ बिकॉज, और हाँ मिडल में भी जो है एक मेरे जैसा बच्चा बैठ सकता है, और थोड़ा सा ये हैंडल करेगा बट चलेगा ठीक है, एक बच्चे को बिठा सकते हो आप बीच में। और अगर मिडल पैसेंजर ही बैठेगा बड़ा तो आपको यहाँ पे पैर रखना पड़ेगा, तब वो अच्छे से बैठ सकता है। अब आपको मैं थर्ड रो में जाके दिखा देता हूँ कि क्या कुछ स्पेस है थर्ड रो में। सो थर्ड रो में जाने के लिए आपको कुछ इस तरीके से जो है थोड़ा बहुत क्लाइम करना पड़ेगा, और यहाँ से आप बैठ के जो है व्यू का एंजॉयमेंट ले सकते हो। मैं डोर क्लोज कर लेता हूँ थोड़ा सा, बहुत ही अच्छे से थर्ड से बचता है ये। पीछे आओगे तो आपको जो है इतनी स्पेस मिलेगी, मोनोकॉक चेसी है, बॉडी एंड फ्रेम नहीं आता, सो आपको यही स्पेस मिलने वाला है पीछे। लॉन्ग जर्नीस में मैं जा तो सकता हूँ बट जो थोड़े थोड़े टाइम के बाद रुकना पड़ेगा मेरे को भी। आइसोफिक चाइल्ड एंकर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, लॉन्ग जर्नी इसमें जा सकता हूँ बट रुक रुक के जाना पड़ेगा, लॉन्ग टाइम के लिए मैं बैठ नहीं सकता पीछे बिकॉज अंडर टायर सपोर्ट तो मेरे लिए ही कम है, तो 6 फीट का बंदा तो मतलब यहाँ पे फिट होगा ही नहीं। यहाँ पे जो है लेग रूम भी ठीक है, मतलब है ही नहीं, मतलब इतनी ही स्पेस आपको मिलती है। कप होल्डर्स आपको मिलेंगे या वाटर होल्डर्स मिलेंगे 1 टाइप ऑफ। यहाँ पे आपको 12 का सॉकेट मिलेगा, AC के लिए ब्लोअर, बहुत अच्छा जो काम यहाँ पे महिंद्रा ने किया है AC ब्लोअर देकर। वेंट्स भी आपको 2 मिलने वाले हैं, ग्रैब हैंडल अगेन आपको मिलेंगे हुक्स के साथ, सोनी का 12 स्पीकर का दोनों स्पीकर है वो भी आपको पीछे मिलने वाले हैं। रूफ माउंटेड और सब बूफर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाली है, बहुत अच्छे से जो है साउंड इंजॉय करेंगे थर्ड रो वाले बच्चे। वेट्स AC वेंट्स आपको मिलेंगे, पार्शल ट्रे के लिए आपको ये जो है थोड़ा सा माउंट वगैरह दिया गया है। आपको यहाँ पे हुक्स मिलेंगे, इस तरीके से आप ओपन करके जो है हुक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपको जो है जब आप ये सीट को फोल्ड करके यूज़ करोगे तब की बात है। कप होल्डर आपको दोनों के पैसेंजर के लिए मिलता है। 7 एयरबैग्स का जो एयरबैग्स है वो आपको यहाँ तक एक्सटेंड होने वाला है। 3 रो में बैठ के आपको जो है ये सीट को रिक्लाइन भी कर सकते हो। आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे मिलेंगे जो कि इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो ऊपर करके। ये सीट को आप ऑब्वियसली जो है रिक्लाइन वगैरह भी कर सकते हो, सो अभी तो थोड़ा सा दिक्कत होगा बट आप इसको रिक्लाइन कर सकते हो और पूरी तरीके से फोल्ड फ्लैट फोल्ड कर सकते हो।
2020 का मतलब 50-50 का आपको स्प्लिट यहाँ पे मिलेगा इस रो के लिए। इस रो में आपको जो है इस सीट को आई थिंक सो जो है फोल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे कोई भी जो रिक्लाइन का ऑप्शन जो हैंडल है वो नहीं मिलता, बट इसको आप टम्बल डाउन कर सकते हो पूरी तरीके से, फ्लैट फोल्ड भी यूज़ कर सकते हो। फ्लैट फोल्ड ये सीट फ्लैट फोल्ड हो जाएगी बट पूरी तरीके से टम्बल नहीं होगी, ये आपको फ्लैट फोल्ड और टम्बल दोनों ही होने वाली है। अब थर्ड रो में जो है इस तरीके से जो है स्पेस मिलती है, इसको आप रिक्लाइन कर सकते हो बट आगे पीछे एग्जिस्ट नहीं कर सकते सेकेंड रो की सीट्स को, बिकॉज आपको ये फिक्स हुक्स दिए गए हैं। ये मेरी जायलो की तरह ही है, इसको सिर्फ आप जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते, रिक्लाइन ही कर सकते हो। ओवरऑल जो स्काई रूफ का मज़ा आप थर्ड रो से बैठ कर भी ले सकते हो। सो अगेन पीछे से बैठ के देखें तो कैबिन बहुत ही वाइडल लगता है, लुक जो है आप कैबिन का इस थर्ड रो से ले सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। और स्काई रूफ है सो उसका भी मज़ा आपको मिलता रहेगा यार थर्ड रो के कैबिन से। ओवरऑल बात करें तो सीट बेल्ट आपको मिलते हैं यहाँ पे सेकंड रो के लिए भी। सो आपको यहाँ पे इतनी कुछ स्पेस मिलने वाली थर्ड रो के बैक में, मतलब थर्ड तीनों तीन रो अगर आपकी अप हो तो स्पेस तो मैंने दिखाई दी आगे, बट पीछे इतनी आपको स्पेस मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी जो है टूल किट्स आ जाएंगी, टो हुक आ जाएगा आपका, फिर वार्निंग ट्राइंगल एंड वेरियस अदर स्टोरेज स्पेस, और इस तरीके से कुछ बंद भी हो जाएगा। आपका स्पेयर व्हील जो है नीचे आएगा, कुछ स्टील रिम आपको मिलने वाला है, एक साइज़ छोटा ही मिलेगा। डायमेंशन है आप यहाँ पे देख सकते हो, डायमेंशन आपको दिख रही होगी, थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रही है, बट 155/90 R18 होगी। स्टील रिम आपको मिलने वाला है और कुछ इस तरीके से मिलेगा, एलॉय नहीं मिलने वाला। सो ये कुछ आपको स्पेस मिलने वाली है यहाँ पर। और ये तो हो गई इंटीरियर की बात, अब जो है एक बार मैं आपको थोड़ा बाहर निकल के दिखा देता हूँ कि क्या क्या आपको और जो फीचर्स वगैरह वो मिलते हैं। सो ये तो हो गई भाई XUV700 की बात, आपको एग्जिस्टेबल OVMs मिलते हैं बाय द वे, ऑटो फोल्डेबल फंक्शन के साथ। और एक बार मैं थोड़ा सा XUV का लुक आपको दे दूँ कि कुछ इस तरीके से लग रही है गाड़ी, और आपको कैसी लगी XUV700 आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताओ। ये कलर आपको पर्सनली कैसा लगा आप मुझे ज़रा कमेंट में बता सकते हो। और ये जो वेरियंट है वो AX7L डीजल ऑटोमेटिक है, एंड आपको जो ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी इसके साथ मिलेगा ब्लेज एडिशन के साथ भी। थोड़ा सा जो है प्राइस आपको रेगुलर एडिशन मतलब ब्लेज एडिशन और रेगुलर वाले XUV में मिलेगा, सो वो आपको मैं डिफरेंस यहाँ पे आपको शो कर देगा स्क्रीन पर। एंड ओवरऑल जो है ये आपको गाड़ी पसंद आई कि नहीं आप मुझे ज़रूर कमेंट बताओ। मेरी तो पर्सनली स्पीकिंग कि मेरे को तो ये गाड़ी बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगती है गाड़ी, और मोस्ट ऑफ वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। अब AX7L ऑटोमेटिक के साथ आपको मिलेगी, AX7L जो है मैनुअल के साथ भी मिलने वाली है गाड़ी, सो वो भी आपको मिलती है। AX5 सिलेक्ट आया, न्यू वेरिएंट आया है, तो उसका जो है वो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी जो मॉडल अगर आपको लेना है XUV700 का तो वो आप ले सकते हो। और इस तरीके से जो है ओवरऑल गाड़ी लगती है मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट बताओ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, फॉलो वॉलो कर लो ऑटोरॉक्स को। चलो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक ऑल न्यू कंटेंट के साथ। प्राइस आपकी स्क्रीन पे आ ही चुकी होंगी अभी तक, सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।